वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे TYC द्वारा सोशल मीडिया पर सेना के अधिकारियों के घोटालों की खोली पोल और बताया कि अधिकारियों द्वारा जवानों के खिलाफ कितना बड़ा होता है घपला। दोस्तों, TYC द्वारा ये 5 हफ्ते पहले की घटना है, लेकिन मेरे किसी व्यूअर ने आज मेरे पास ये वीडियो शेयर किया है और कहा कि मैं अपने माध्यम से इसको आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों सुनिए TYC की जुबानी आगे की कहानी। जय हिंद। मैं TYC ओमदेव शर्मा, भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स में सेवारत हूं और आजकल हेडक्वार्टर 22 सेक्टर असम राइफल्स में पोस्टेड हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको असम राइफल्स में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो पोस्टिंग आते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले बहुत हाई लेवल के करप्शन, हमारे ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन और अदर इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहता हूं। और अगर असम राइफल्स का कोई भी पर्सनल जवान, JCO, ऑफिसर इनके किसी भी इलीगल एक्टिविटी के बारे में अगर आवाज उठाना चाहे या किसी को बताना चाहे उसकी जिंदगी को ये लोग कैसे नरक बना देते हैं, किस तरीके से उसको दमन किया जाता है, दबाया जाता है और किस तरीके से उसको डराया धमकाया जाता है, इस बात के बारे में जानकारी दूंगा। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसकी नेगलिजेंस की वजह से हमारे को जो परेशानियां, जो दिक्कतें फेस होती हैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के भेजा था जुलाई 2020 के दौरान और अभी फरवरी 2021 चल रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 11 असम राइफल्स के अंदर किस तरीके से कमांडेंट साहब के निर्देश के अनुसार जवानों को लूटा जा रहा था, जबरदस्ती उनको चीप क्वालिटी का टसूट हाई रेट से बेचने के कारण, जिसके लिए जवानों की छुट्टियां रोक दी गई थी और उनकी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया गया था। उसके अलावा MISS फंड पूरा उनको पॉकेट्स में जाता था और वो किसी को यूज नहीं करते थे। उसके अलावा 21 सेक्टर असम राइफल्स के अंदर भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज वाले मैटर्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी, जिसके बाद मुझे वहां पर मेरी फैमिली बच्चों तक को टारगेट किया गया था। और मैंने लास्ट ईयर एक FIR दर्ज की है अफलोन पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल्स में पोस्टिंग आते हैं, इंडियन आर्मी ने RTI के रिप्लाई में ये क्लेरिफाई किया हुआ है कि देयर इज नो डेपुटेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू असम राइफल्स, लेकिन असम राइफल्स में आने वाले हर आर्मी ऑफिसर पिछले कई डिकेड्स से, पिछले के दशकों से डेपुटेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं जो इलीगल है और इसके कारण कई हजार करोड़ रुपए अब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलीगल तरीके से ले चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं। इसकी मैंने FIR दर्ज की है लास्ट ईयर और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल करूंगा ताकि इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान हो रहा है इसको रोका जा सके और उनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर में थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से DG साहब ने असम राइफल्स में 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन को दबाया हुआ है। असम राइफल्स में जो जवानों को सामान इशू किया जाता है, ड्रेस वगैरह कहते हैं उसके बारे में, तो ये पहले फ्री परचेज करके असम राइफल्स के अधिकारी जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए वो खरीदते थे और तब जवानों को इशू करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स के बदले में पैसा देने का निर्णय लिया, उसके बाद में पैसा दिया जाने लगा, लेकिन जो ऑलरेडी आइटम खरीदा जा चुका था क्योंकि वो चीप क्वालिटी का था और हाई रेट में खरीदा गया था और इस बात की जानकारी अलग अलग हेडक्वार्टर से DG हेडक्वार्टर को ऑलरेडी ऑफिशियल रिपोर्ट दी गई है, उसके बावजूद उस बात की इंक्वायरी आज तक नहीं करी गई, लेकिन उस चीप क्वालिटी के आइटम्स को जो हाई रिस्क में खरीदा गया था असम राइफल्स के जवानों को बिक्री करने के लिए हर तरह के जो प्रपंच किए जा रहे हैं और इसकी इंक्वायरी नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर इसकी इंक्वायरी हो गई तो असम राइफल्स में, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो आर्मी के ऑफिसर्स ही करते हैं जो अलग अलग हेडक्वार्टर से बैठे हुए हैं, DG हेडक्वार्टर से बैठे हुए हैं वही करते हैं, तो अगर इस केस की इंक्वायरी हो जाती है तो जो मोडस ऑपरेंडी है असम राइफल्स में करप्शन करके पैसे कमाने का, ये एक्सपोज हो जाएगा और ये पूरी इंक्वायरीज को मैनिपुलेट कर देते हैं। लाइक शिव साहब के केस में जो इंक्वायरी हुई थी, इसमें इंक्वायरी ये है, इंक्वायरी कॉपी मेरे पास में, इस इंक्वायरी में शिव साहब ने लिखित स्टेटमेंट है शिव साहब का कि वो जवानों का कसूर का पैसा वापस करेंगे, लेकिन इन्होंने मैनिपुलेट करके और मुझे मैनिपुलेट किया गया, लेकिन शिव साहब को आज तक जवानों के पैसे नहीं मिले। और जो मेरा UN मिशन के जो मेरा केस था उसमें भी जो इंक्वायरी हुई तो एवरीथिंग वाज प्रूव्ड,
कि गलत हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स की इंक्वायरी थी, उन्होंने आपस में इंक्वायरी की, तो वो पूरी इंक्वायरी उन्होंने मैनिपुलेट कर दी आर्मी ऑफिसर के फेवर में और मुझे रिफंड किया गया। एंड ये लोग आर्मी ऑफिसर्स को, जवानों को, जेसीओस को, आर्मी की जितनी पर्सनल है, वी आर लाइक स्लेव्स टू देम। ये लोग हमें इंसान ही नहीं समझते कि हमारा, हम इंसान है, हमारे भी ह्यूमन राइट्स है, जवानों के हमारे भी ह्यूमन राइट्स है, हमारे जवानों की फैमिली है, उनके फैमिली बच्चे हैं, उनको लुक आफ्टर करना है, पीस लोकेशन में उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। इसका कोई भी लुक आफ्टर आर्मी ऑफिसर्स द्वारा नहीं किया जाता, उनको सिर्फ काम लेना है हमसे और हमारा कोई वेलफेयर नहीं देखना। ये बहुत ही दुखद है और मुझे मजबूरी में काम सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे को सुनता ही नहीं है, ना फोर्स में सुनता है, ना हमारा रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्री लेवल पर, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है जी। और ये लोग किसी की नहीं मानते, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की मानते हैं। लाइक अभी डीजी साहब ने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकाला था इंटर से सीनियरिटी आर्मी और एयरक्राफ्ट ऑफिसर्स के बीच में, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के, एमएचए के, सुप्रीम कोर्ट के, डीओपीटी के ऑर्डर्स को नहीं माना, और उन्होंने और ये कोर्ट ऑर्डर्स को भी नहीं मानते। लाइक अभी इनके ऊपर में इतने कॉन्टेम्प्ट केस चल रहे हैं, मेरा खुद का कॉन्टेम्प्ट केस चल रहा है, 3 केस मैंने किए हुए डीजी साहब के ऊपर में, करप्शन के केस किया हुआ है, लेकिन ये कोई भी कोर्ट में कोई भी काउंटर एफिडेविट फाइल करते टाइम पर ना उनको कोर्ट का आदेश मानते हैं, मनमानी करते हैं, बिल्कुल किसी का भी नहीं मानते लोग। और असम रेफरेंस में दे इन्फोर्स ऑन नॉन वर्किंग डेज, हमारे जो सेक्टर हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर 5 days इन ए वीक का पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ने बना रखा है, और इसकी वजह से यहाँ पर 30 दिन का छुट्टी है, लेकिन हमको सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ता है यहाँ पर, और अगर हम काम ना करें तो हमारे खिलाफ का एक्शन लिया जाता है। मेरे पास इस चीज के रिटन प्रूफ है, मैं पूरे डेवलप में 22 सेक्टर में सिर्फ एक बार सैटरडे को नहीं गया था ऑफिस में बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, उसके बाद मेरे को रिटन में आदेश दिया गया मेरे खिलाफ एक्शन लेने का। मिनिस्ट्री बोलते हैं कि 5 days इन वीक है तो आपको 30 दिन छुट्टी मिलेगी, 7 दिन नहीं मिलेगी यहाँ पर, और ये लोग हमको सैटरडे को भी काम करते हैं, काम करवाते हैं हमारे, तो हमारे ह्यूमन राइट्स का पूरा वायलेशन होता है और जवानों को दिन रात काम करवाना पड़ता है, यहाँ पर काम करवाते हैं लोग। एंड वी द असम राइफल पर्सनल आर बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन इन द इन आवर फोर्स, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई पहुंच नहीं है, हमारे कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहीं पर कि किस तरह से हमको अपने बातों को आगे तक पहुंचाए। एंड आई विल राइट टू कन्वे इन वेरी स्पेसिफिक मैनर कि असम राइफल में जो आर्मी का रूल है, आई कैन कंपेयर दिस रूल इक्विवेलेंट टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया के रूल के कायदे थे, इंडिया को बर्बाद कर दिया, इंडियंस को जो परेशान करते थे, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी असम राइफल में है। इनर आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर लूटते हैं हमारे पूरे जवानों को, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करते हैं और पूरे इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हर आर्मी का ऑफिसर करप्ट है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं, वो उनके इस पर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका एसआर उनके हाथ में होता है। अगर उनको रिपोर्ट करेंगे तो उनका पूरा करप्ट कैरियर खराब कर देंगे वो लोग। मेरा करप्ट है, मेरी पूरी जिंदगी नरक बना रखी है, तो इस तरीके से ये गलत है क्योंकि अगर हम करप्ट ऑफिसर को उसका ड्यूज पनिशमेंट नहीं देंगे तो वो करप्शन और बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने गृह मंत्री साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पक्का हमारी मदद करेंगे। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन शायद ये बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और हमारे डीजी साहब नीचे लेवल में ही मिनिस्ट्री में इस चीज को मिला जुला कर ले आते हैं, और शायद मिनिस्ट्री में भी ऐसे ऑफिसर होंगे जो इनकी हेल्प कर रहे हैं और जो इस बात को गृह मंत्री और हमारे पीएम साहब तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें इसमें, और मुझे परमिशन दें कि मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करूं ताकि ये आप तक पहुंच पाए, क्योंकि जब तक ये आप तक नहीं पहुंचेगा आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारी हमारा ये जो स्थिति है ये ऐसी बरकरार रहेगी और हमारा दमन ऐसे होता रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सर हमारी हेल्प करें, हमारी सहायता करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।